पूरी पेट का जो अल्ट्रासाउंड होता है उसको अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन कहते हैं, और जब नीचे के अल्ट्रासाउंड होता है तो उसको हम अल्ट्रासाउंड लोअर एब्डोमेन या अल्ट्रासाउंड पेल्विस कहते हैं, जो कि फीमेल्स में होता है। जब भी हम पेट के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पेशेंट को हैंड ओवर करते हैं तो इसमें बहुत सारे मेडिकल टर्म होते हैं, जैसे कि लीवर होता है, कॉल ब्लैडर होता है। ये पेशेंट ये टर्म को समझ में नहीं पाता है और ये रिपोर्ट भी खुद से नहीं पढ़ पाता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शिखा अग्रवाल और मैं आज आपको बताती हूँ कि आसान भाषा में आप इस रिपोर्ट को अपने आप से कैसे पढ़ सकते हैं। इसमें पहली लाइन में लिखा है लीवर नॉर्मल इन साइज। लीवर हमारी पेट में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होता है। इस रिपोर्ट में लीवर नॉर्मल इन साइज है, बुखार आता है, मलेरिया आता है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें लीवर का साइज बढ़ जाता है, इसलिए हम इस लाइन में लिखते हैं लीवर नॉर्मल इन साइज है। इसके बाद जो शेप होती है वो भी इनकी नॉर्मल है। एंड पैरेन्काइमल इकोटेक्चर, इकोटेक्चर कितना क्या होता है, जितने भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं उन सबकी एक डेंसिटी होती है, टेक्चर होता है, तो इसमें इसको अल्ट्रासाउंड की लैंग्वेज में पैरेन्काइमल इकोटेक्चर कहते हैं। तो इसका जो दिखाई देता है जिस तरह का इसका टेक्चर है तो वो लीवर का टेक्चर नॉर्मल है। इसके बाद लिखा है नो एविडेंस ऑफ एनी सॉलिड या सिस्टिक मास लीजन सीन। लीवर में कोई भी गांठ नहीं है, कोई भी मास टाइप का नहीं है, जैसे कि लीवर एब्सेस होता है तो एक मास जैसा बन जाता है, तो इसलिए इस वाली रिपोर्ट में कोई भी मास लीजन नहीं है। सेकेंड जो सब हेडिंग है उसमें लिखा है गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली की पथरी एंड सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट। ये पित्त की थैली की नली होती है जिसको कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। इसके आगे लिखा है डिस्टेंडेड, मतलब पित्त की थैली फूली हुई है। पेशेंट को हम इसलिए खाली पेट बोलते हैं जिससे कि उसकी पित्त की थैली फूल जाए और उसके अंदर हमें कोई पथरी होती है तो वो दिखाई दे दे, क्योंकि गॉल स्टोन बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, इसलिए हमें खाली पेट पेशेंट को बुलाना पड़ता है अपर एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड के लिए। तो इसमें लिखा है डिस्टेंडेड है, फूली हुई है एंड अपीयर नॉर्मल, और नॉर्मल रिपोर्ट आ रही है गॉल ब्लैडर की। और इसके नेक्स्ट लाइन में लिखा है नो एविडेंस एनी ऑफ एनी मास। मास अगर गॉल ब्लैडर में कैंसर होता है तो उसे हम मास कहते हैं, और यानी कैलकुलस, कैलकुलस मीन्स पथरी, पित्त की पथरी को कैलकुलस कहते हैं। तो इस रिपोर्ट में कोई भी मास लीजन नहीं है, कोई भी कैंसर वाली शिकायत नहीं है और कोई भी पथरी नहीं है। और इसके तीसरी जो सब हेडिंग है उसमें लिखा है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज यानी आमाशय, ये लीवर और स्टमक के बीच में होता है, तो ये नॉर्मल इसका साइज है, शेप है और पैरेन्काइमल इकोटेक्चर है, जो इसका इकोजेनेसिटी है वो भी नॉर्मल है। और ये लिखा है पैरी पैंक्रियाटिक फैट प्लेन, पैंक्रियाज को घेरे हुए एक फैट की लेयर होती है, उसको हम पैरी मतलब पैंक्रियाज के चारों तरफ जो पैंक्रियाटिक फैट प्लेन है, फैट की लेयर है, वो भी नॉर्मल है। नेक्स्ट रीडिंग है स्प्लीन, स्प्लीन यानी तिल्ली, तिल्ली नॉर्मल इन साइज है, साइज उसका नॉर्मल है। बुखार में तिल्ली बड़ी हो जाती है, मलेरिया के केसेस में स्प्लीन बड़ी हो जाती है, तब हम उसको स्प्लीनोमेगैली कहते हैं। तो स्प्लीन नॉर्मल है, शेप में नॉर्मल है, पैरेन्काइमल इकोटेक्चर भी उसका नॉर्मल है, जो उसकी डेंसिटी है वो भी नॉर्मल है। इसके आगे लिखा है नो एविडेंस ऑफ एनी फोकल, फोकल मीन्स अगर स्प्लीन में कोई सिस्ट है, कोई भी लीजन है तो उसे फोकल, एक ही जगह पे कोई लीजन नहीं है। डिफ्यूज, डिफ्यूज मीन्स ओवरऑल स्प्लीन किसी चीज बीमारी से अफेक्टेड है तो हम उसको डिफ्यूज लीजन कहते हैं, तो इसमें कोई भी डिफ्यूज लीजन भी नहीं है। वेसल्स, वेसल्स जो स्प्लीन से वेसल्स निकलती हैं, स्प्लीनिक आर्टरी और स्प्लीनिक वेन, वो डायलेटेड नहीं है, वो जहाँ पे निकलती हैं उसे स्प्लीनिक का हाइलम कहते हैं, हाइलर लीजन पे वो वेसल्स डायलेटेड नहीं है, यानी नॉर्मल वेसल्स हैं। जो स्प्लीनोमेगैली के केसेस होता है पोर्टल हाइपरटेंशन में, ये वेसल्स डायलेटेड हो जाती हैं। किडनीज, किडनी यानी गुर्दा, बाइलेटल, बाइलेटल मीन्स दोनों जो गुर्दे होते हैं, क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी में दो गुर्दे होते हैं, स्पाइन के राइट साइड में राइट गुर्दा होता है और स्पाइन के लेफ्ट साइड में लेफ्ट गुर्दा होता है। तो इसमें लिखा है बाइलेटल किडनी, दोनों गुर्दे ऑफ अब नॉर्मल साइज है, दोनों का साइज नॉर्मल है, शेप नॉर्मल है और पोजिशन भी नॉर्मल है। बहुत से टाइम ऐसा होता है कि किडनी लंबर फोसा में नहीं होती हैं और नीचे की तरफ रह जाती हैं, तो उसको हम अनअसेंडेड किडनी कहते हैं। लेकिन इस वाले केस में कि दोनों किडनी नॉर्मल जगह पे हैं और नॉर्मल पोजीशन पे हैं।
कॉर्टिकल इकोटेक्चर, जो किडनी का कॉर्टेक्स होता है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, जो बाहर की तरफ जो पार्ट होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, उसको हम उसकी इकोजेनेसिटी देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं, मेडिकल रीनल डिजीज ऐसी होती है, रीनल पैरेंटाइमल डिजीज ऐसी होती है जिसमें उसकी इकोटेक्चर बढ़ जाता है, तो उसके लिए हम किडनी का इकोटेक्चर जरूर नोटिस करते हैं। तो इस केस में कॉर्टिकल इकोटेक्चर नॉर्मल है दोनों गुर्दों का। CMD मीन्स कॉर्टिको मेडुलरी डिफ्रेंसिएशन, कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में एक डिफ्रेंसिएशन होता है, एक इंटरफेस होता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कॉर्टेक्स और मेडुला वो प्रेजेंट है। रीनल पैरेंटाइमल डिजीज, जब किडनी बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है तो उसमें CMD खत्म हो जाता है, तब हम उसे कहते हैं CMD इज लॉस्ट, मतलब CMD खत्म हो गया है। जो PC सिस्टम, पेल्विक लाइसियल सिस्टम, PC सिस्टम क्या होता है, गुर्दे के मेडुला में 10 से 12 कैलिक्स होते हैं, जिसमें किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है, जो काम करती है, उसे नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में नेफ्रॉन होते हैं, वो PC सिस्टम के अंदर होते हैं, जो कि किडनी में यूरिन को फिल्टर करते हैं और यूरिन से टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालते हैं, यूरिन के थ्रू टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं और जो ग्लूकोज और प्रोटीन होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये तो नेफ्रॉन का काम हो गया। तो नेफ्रॉन सारे मिलके PC सिस्टम बनाते हैं। तो इसमें लिखा है डायलेटल PC सिस्टम आर नॉट डायलेटेड, मतलब वो PC सिस्टम इसका नॉर्मल है, यानी किडनी सही से काम कर रही है। देर इज नो एविडेंस ऑफ एनी कैलकुलस, मतलब कैलकुलस मीन्स पथरी। तो किडनी में जो पथरी होती है बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, कुछ एरिया में जिनमें पानी सॉल्टेड होता है उसमें तो हर तीसरे चौथे आदमी के पथरी दिखाई देती है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेकिन इसमें रिपोर्ट में लिखा है कि इसमें इस वाले पेशेंट में कोई भी पथरी नहीं दिख रही है ऑन आइदर साइड, ना तो राइट किडनी में दिख रही है ना लेफ्ट किडनी में दिख रही है। नेक्स्ट हेडिंग है यूरिनरी ब्लैडर, यानी पेशाब की थैली। इसमें लिखा है एडिक्वेटली डिस्टेंडेड, मतलब उसमें पेशाब भरा हुआ है, डिस्टेंडेड है, ब्लैडर जो फुल है और डिस्टेंडेड है, एंड इको फ्री है। इको फ्री इसलिए बोला है क्योंकि इसके अंदर कोई पथरी नहीं है, कोई कंक्रीशन नहीं है, क्योंकि UTI और सिस्टाइटिस के केस में ब्लैडर में बहुत सारे मल्टीपल इकोज दिखाई देती हैं, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं और उनकी वॉल भी थिकिंग हो जाती है। लेकिन इसमें लिखा है वॉल आर रेगुलर, जो यूरिनरी ब्लैडर की आउटर मोस्ट वॉल होती है वो नॉर्मल है और थिन है, नॉर्मली ये थिन होती है। और इसके आगे लिखा है नो एविडेंस ऑफ एनी स्टोन, स्टोन पथरी को कहते हैं, तो ब्लैडर में भी कोई भी पथरी नहीं है। प्रोस्टेट, क्योंकि ये जेंट्स की रिपोर्ट है तो उनमें जो होता है वो प्रोस्टेट होता है, और अगर ये फीमेल है होती है तो उसमें बच्चेदानी यानी यूट्रस होता है एंड ओवरीज यानी अंडेदानी होती है। तो ये प्रोस्टेट इसमें नॉर्मल है, नॉर्मल इन साइज है, उसका साइज नॉर्मल है, इकोटेक्चर भी नॉर्मल है, और प्रोस्टेट को जो एक कवर करता है उसे प्रोस्टेटिक कैप्सूल कहते हैं, वो इंटैक्ट है, क्योंकि कुछ प्रोस्टेट का जो कैंसर होता है उसमें ये कैप्सूल इंटैक्ट नहीं रह पाता और ये आउटलाइन नहीं हो पाता, इसलिए मेंशन है प्रोस्टेटिक कैप्सूल इज इंटैक्ट। लेकिन इस वाली रिपोर्ट में प्रोस्टेट का कैप्सूल दिखाई दे रहा है और बिल्कुल नॉर्मल है। यूट्रस यानी बच्चेदानी, बच्चेदानी का आगे लिखा है नॉर्मल इन साइज, जो बच्चेदानी का स्टैंडर्ड साइज है वो नॉर्मल है इस रिपोर्ट में, शेप भी नॉर्मल है। एंटीबाइटेड, ये इसकी एक पोजीशन होती है, अगर यूट्रस आगे की तरफ झुका होता है तो उसको हम एंटीबाइटेड कहते हैं। 90% में यूट्रस एंटीबाइटेड होता है, लेकिन 10% में यूट्रस पीछे की तरफ जाता है तो उसको हम रिट्रोबाइटेड कहते हैं, ये नॉर्मल है। इसके आगे लिखा है मायोमेट्रियल इकोटेक्चर, इसके यूट्रस के अंदर जो मायोमेट्रियम होता है वो नॉर्मल है, क्योंकि बहुत सारी रसौलियाँ होती हैं जिसे हम आम भाषा में फाइब्रॉइड बोलते हैं, अगर वो फाइब्रॉइड होती है तो वो मायोमेट्रियम के अंदर होती है, तो उसे रसौली में बहुत सारी रसौलियाँ भी हो सकती हैं, मल्टीपल फाइब्रॉइड भी हो सकते हैं, या मायोमेट्रियम में मायोमेट्राइटिस इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इस वाली रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है, मायोमेट्रियल इकोटेक्चर नॉर्मल है।
इसके आगे लिखा है नो एविडेंस फॉर एनी फोकल लीजन सीन, यूटरस के अंदर कोई भी पॉलिप नहीं है, कोई भी गांठ नहीं है, कोई भी लीजन दिखाई नहीं दे रहा है। इसके आगे लिखा है ईटी, ईटी मीन्स एंडोमेट्रियल थिकनेस, जो यूटरस की अंदर सबसे अंदरूनी परत होती है उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम की हमें थिकनेस देनी पड़ती है और ये पीरियड में के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो इसमें ईटी 8.2 मिलीमीटर है जो कि नॉर्मल है। नेक्स्ट लिखा है ओवरीज यानी अंडरदानी, इसमें लिखा है ओवरीज आर नॉर्मल इन फॉलिकुलर पैटर्न। फॉलिकुलर क्या होता है, हर महीने स्त्री के शरीर में अंडे बनते हैं, 3 से 4 अंडे बनते हैं, उसमें से एक अंडा 13वें से 15वें दिन में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है जिसको हम डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं। तो ये फॉलिकल बनना ज़रूरी है कि अगर महिला को कंसीव करना है तो इसको भी हम चेक करते हैं। तो हम बताते हैं ओवरीज, दोनों ओवरीज नॉर्मल है फॉलिकुलर पैटर्न में, मतलब इस ओवरी में दोनों साइड में अंडे बन रहे हैं। इसके बाद लिखा है नो एविडेंस ऑफ एनी एबनॉर्मल सिस्टिक एंड सॉलिड मास लीजन सीन। ओवरी में भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसमें सिस्ट बन जाती है जिसे हम पानी की रसौली कहते हैं या फंक्शनल सिस्ट कहते हैं। तो ये हर महीने बनती है सिस्ट और फिर डिजॉल्व भी हो जाती है। इसी तरह से जब ओवरी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें सॉलिड मास बन जाता है, उसमें टी जिसे हम टीओ मास कहते हैं। तो इस वाली रिपोर्ट में ना तो ओवरी में कोई सिस्ट है, ना ही कोई पानी की रसौली है, ना ही कोई टीओ मास है। तो इस तरह से ओवरी में भी नॉर्मल है।